झगड़ा तो ये लेन का डाल रहे हैं। अब उल्टा जज ने इनको रोका है कि तुम कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, तो ये उल्टा पढ़ रहे हैं ऑर्डर को। इनके वकील भी पता नहीं कितने। आज सुबह क्या हुआ यहाँ पे? आज सुबह ये हुआ कि आज सुबह कोई अच्छी खासी मिस्त्रियों की मजदूरों की फौज आ गई। अच्छा। कोई 15-20 थे। अच्छा, इनके कोई रिश्तेदार भी आए होंगे 5-6 वो। एक उनमें मेरे क्लास वाले वकील साहब भी आए। अच्छा हुआ वकील साहब आ गए, कम से कम मैं किसी के साथ ढंग की बात तो कर पाया। उनको मैंने समझाया, भाई साहब ये मेरी सेल रीड है, ये उसमें गली है, तो आप भी बेहतर है कि उनको समझाओ यार, अकल की बात समझाओ कि अगर मेरे साथ कोई बात ही करनी है मेरे चैम्बर में बैठ के आराम से बात करते हैं। ये वाला जो मकान है ना, ये मैंने 98 में जगह खरीदी थी, तो ये 13 मरले का प्लाट है और इसके साथ 10 फुट ये गली है और ये 96 फीट लंबी है मेरे घर की लंबाई। जी, ये आपका चैम्बर है? ये मेरा चैम्बर है, ये गेट जो है चैम्बर के लिए, चैम्बर के लिए। ये मेरी रेजिडेंशियल साइड है, ये रेजिडेंशियल साइड है, तो ये वाला दरवाजा रेजिडेंस का है। तो ये दैट इज ये पानी की टंकी यहाँ बनाई। जी, पानी की टंकी यहाँ पे। ये वो एंड तक कर है, ये जहाँ तक मेरे मकान की एंड है ना, उसे पीछे भी थोड़ी जगह 2-3-4 फुट है, तो ये बाढ़ जो लगा है ये एंड तक ये सारा लेन है। तो ये गली क्यों यहीं तक पक्की हुई है? एक्चुअली मैं उन दिनों था नहीं, अब म्युनिसिपैलिटी वाले पक्की करने आए थे, तो मैं हूंगा नहीं तो वो यहाँ तक करके चले गए। हो सकता है किसी ने ऑब्जेक्शन किया हो तो वो यहाँ तक ही करके चले गए। तो आज ये क्या हो रहा है, गली पक्की हो रही है? ये बेसिकली मैं नाश्ता कर रहा था, तो मैं जब अभी 8-8:30 बजे होंगे, तो यहाँ बड़ी फौज मजदूरों की, मिस्त्रियों की आ गई और भी कुछ लोग आ गए, तो जबरदस्ती खुदाई शुरू कर दी यहाँ। ये मेरे बिल्कुल इसके ऊपर, इसको ब्लॉक करना शुरू कर दिया और गेट बनाना शुरू कर दिया। तो हमने हमने कहा कि भाई ऐसा मत करो, ये गली है, एंड तक कर है, आप भी यूज करोगे हम भी यूज करेंगे, तो कॉमन लेन है। तो पर वो बिजित हो गए, तो कहने लगे जी कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है। हमने कहा बताओ भाई कोर्ट का ऑर्डर कौन सा, मैं तो कोर्ट में ही वकालत करता हूँ, तो ऑर्डर शार्डर कोई था नहीं। तो पर फिर भी मैंने सोचा हो सकता है कोई ऑर्डर हो। हमने अपने वकीलों को कहा भाई पता करो कौन सा ऑर्डर है वो। अभी कोई 10 मिनट पहले मुझे वो ऑर्डर पहुंचा है, लेटेस्ट ऑर्डर। क्या कहता है सर वो? और वो ऑर्डर ये कह रहा है कि जो डिफेंडेंट है उसमें, यानी दूसरी तरफ है मेरे, दवा मैंने ही किया था। हाँ, मैंने किया सर, वो मैं वो बताता हूँ, लैंग्वेज पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें ये कहा गया है कि डिफेंडेंट्स आर रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ इन 13 मरला हाउस प्लस ये 10 फीट बाई 96 फीट लेन, उसमें कोई वो इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उसके बियॉन्ड जो कोई जगह होगी उस पर वो करते रहे। हाँ, तो वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि अपने घर में जो जितना मर्जी महल बनाए, ताजमहल बनाए, हमें खुशी होगी उसकी, मगर लेन को अनक्रोच करने पर रोक लगाई है कोर्ट ने, जिस कोर्ट का ये सवेरे हवाला दे रहे थे कि हमें ऑर्डर मिला है कि ये बनाने के लिए। अब लेट अस सी दैट ऑर्डर। तो वो नक्शा दिखा रहे थे आप? हाँ, वो मैं नक्शा एक मिनट अभी नक्शा बता देता हूँ। ये गली जो है सर, ये पीछे तक, पीछे तक जहाँ तक बाढ़ लगी है ना, वहां तक ये गली है। तो वहां पे होगी। हाँ, यस, ये देखिए नक्शा। ये जनाब वो कहाँ गया, ये दूसरे में डाल दिए गए। ये ये है म्यूटेशन, इंतकाल। जी, थोड़ा पास में आगे। हम सभी लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, हम इनको भी दिलाएंगे इंसाफ जो मेरे पड़ोसी हैं, मगर वो इंसानों जैसी बात तो करें हमारे साथ। जी।
ये है इंतकाल। अब ये बता रहा है कि ये 71 + 25 96 फीट लेन है ये, और 10 फीट इसकी चौड़ाई है जी। ये एंड है इसका, यहाँ तक ये लेन है। अब ये मेरे जो अच्छे पड़ोसी हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो इस जगह पे गेट लगा रहे हैं, इस जगह। अच्छा, तो इसको आगे मेरा हाउस जो है बंद कर देना चाहते हैं, सारा का सारा सिस्टम। ये आखिर तक मतलब आपका आ, 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 ये वो जो कोना दिख रहा है ना, जी, जी, जी। वो तक कर ये हमारा ही घर है। जी, जी, जी। तो ये इस साइड ये इनका घर है, ये अपोजिट साइड इनका। जी, 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 जी। तो ये है लीगल पोजीशन। जी, जी, जी। अब मैं आपको बताता हूँ जो कोर्ट के ऑर्डर का सुबह हवाला दे रहे थे, मेरे एक क्लास फेलो वकील साहब है, वो इनके रिश्तेदार भी हैं, वो भी आए थे। जी, जी। वो भी कह रहे थे कोर्ट का, मैं यार तू तो वकील है, आपके पास कोई कॉपी है मुझे भी पढ़ाओ, मैं भी देख लेता हूँ। उनके पास थी नहीं उस वक्त। जी, जी। अभी वो मैंने मंगवाई कॉपी, मैंने कोर्ट में वकील भेजे, भाई बताओ जरा जज साहब को पूछो कौन सा ऑर्डर उन्होंने किया है, जिस ऑर्डर को हवाला बना के ये काम लगाया था। अभी वो ऑर्डर आ गया मेरे पास। अच्छा, अभी क्या कहते ये पहले मैं आपको बताता हूँ ये किस डेट को ऑर्डर किया है जज साहब ने। ये सेकंड एडिशनल मुंसिफ है, ये है जनाब 28/2/2024 का, ठीक है। ये दिस इज द लेटेस्ट वन। ये पार्टियों के नाम बता देता हूँ, ये हरिचंद मैं हूँ, अरे अपोजिट साडिया गोवर्धन सिंह एंड ज्योति देव। जी, जी। अभी इस ऑर्डर में दिस इज साइंड बाय द जज नाउ सेकंड एडिशन मुंसिफ, ओके। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, हाउएवर द डिफेंडेंट्स आर रेस्ट्रेंड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इनटू पीसफुल पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मैं हूँ, इन लैंड मेजरिंग 13 मरला बेयरिंग हाउस नंबर 680 खेवट नंबर 7 मेन, खाता नंबर 44 एंड ओवर द रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्टेड ओवर द सेम एंड द लेन मेजरिंग 10 फीट वाइड मल्टीप्लाई बाय 96 फीट लॉन्ग इन फ्रंट ऑफ हाउस, ये मेरे मकान के सामने वाला। हाउएवर द डिफेंडेंट कैन नॉट बी रेस्ट्रेंड, जो डिफेंडेंट दूसरी पार्टी है, फ्रॉम मेकिंग एनी कंस्ट्रक्शन ओवर द लैंड लेन बियॉन्ड दैट, यानी इसके बाहर अगर उनका कोई जगह है तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो मैं भी कह रहा हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। As plaintiff has failed prima facie prove that lane extends beyond his house 10 feet by 96, यानी 10 feet by 96 plus my house, इसके अगर beyond कोई दूसरी जगह है तो मुझे तो उनसे कोई उस पर है ही नहीं, झगड़ा ही कोई नहीं है, झगड़ा तो ये लेन का डाल रहे हैं। अब उल्टा जज ने इनको रोका है कि तुम कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, तो ये उल्टा पढ़ रहे हैं ऑर्डर को। इनके वकील भी पता नहीं कितने, आज सुबह क्या हुआ यहाँ पे, आज सुबह ये हुआ कि आज सुबह कोई अच्छी खासी मिस्त्रियों की मजदूरों की फौज आ गई, कोई 15-20 थे, इनके कोई रिश्तेदार भी आए होंगे 5-6, एक उनमें मेरे क्लास वाले वकील साहब भी आए। अच्छा हुआ वकील साहब आ गए, कम से कम मैं किसी के साथ ढंग की बात तो कर पाया। उनको मैंने समझाया, भाई साहब ये मेरी सेल डीड है, ये उसमें गली है, तो आप भी बेहतर है कि उनको समझाओ यार, अकल की बात समझाओ कि अगर मेरे साथ कोई बात ही करनी है, मेरे चैम्बर में बैठ के आराम से बात करते हैं, इकट्ठे रहना है, उन्होंने भी रहना, मैंने भी रहना है, तो प्यार से रहें। जी, जी। ये लड़ाई झगड़े से क्या निकलना है। और हम जो गली हमने रखी हुई है वो इनके फायदे के लिए भी है, मेरे फायदे भी के लिए है, इधर आना जाना आसान होगा उनके लिए भी, मेरे लिए भी। तो हम तो किसी का बुरा चाहते ही नहीं, मगर वो पता नहीं अब कौन से स्कूल में पढ़ के आए हैं कि जरूरी मेरा ये रास्ता ही बंद करना है। अब इधर पहले लोहे के वो लगा दिए थे, आज लोहे के हटा के अब गेट ही लगाना शुरू कर गए मेरे यहाँ के आगे। सो अब सवाल ये है,
हमने म्यूनिसिपैलिटी वालों को बड़ी बार अप्रोच किया कि आप लोग ब्राय मेहरबानी इस गली को एंड तक पक्का कर दो, ताकि उनको भी समझ आए कि यह गली है। उनको गलत फहमी है ये उनकी अपनी जमीन है। अब ये गलत फहमी जितना जल्दी रिमूव कर दें उनके फायदे की बात होगी, हम तो किसी का बुरा चाहते ही नहीं। मगर म्यूनिसिपैलिटी वाले भी अब कैसे काम करते हैं, वैसे तो ये बुलडोजर लेके सारी दुनिया में घूम रहे होते हैं, लोगों के मकान तोड़ते रहते हैं, इधर ही इतनी सारी गली को ये पक्का नहीं कर सकते, और यो कोई एनक्रोच करने वालों को, मगर शुक्र है कि हमने उनको कंप्लेन की थी खिलाफ वर्जी वालों को, तो 10 मिनट पहले ही यहाँ से होके गए हैं। अच्छा। तो वो मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दे दिए हैं और इनको भी वो समझा गए हैं कि काम बंद करने के लिए कह गए हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो मैं म्यूनिसिपैलिटी वालों को अपील करना चाहूँगा कि भाई ऐसे झगड़े को एनकरेज मत करें, वो जल्दी निपटा करके तो इस गली को एंड तक पक्का कर दें, और इनको भी रहने की आसानी हो जाए, मुझे भी आसानी हो जाए। ठीक, एक बात जी। दूसरा ये है कि जो जम्मू कश्मीर में जो शांति होनी चाहिए, वो शांति कैसे होगी जब आप छोटे छोटे मसलों में ये हल नहीं करते? एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए है? अदरवाइज लोगों को खुद अगर फाइट करके कर, अगर हम रेस्ट्रेन करने वाले ना होते, आपको मैं क्या कहूं, आप ये बच्चे हैं मेरे, ये सुबह मारने पे उतारू थे। अब मैं सीनियर आदमी वकील भी हूँ, शोभन मेरे दोस्त भी आए हुए थे, तो हमने रेस्ट्रेन रखा कि यार ऐसा नहीं, कोई हम प्यार से बात कर लेंगे, पर फिलहाल आप ये काम मत करो। अगर मेरे साथ बात करनी है, हम गेट आपका खुद लगवाएंगे, यहाँ अप्रोप्रिएट जगह होगी उधर लगवाएंगे, मैं खुद काम करके लगवाऊंगा, कोई प्राइवेट खर्चा भी मैं कर दूंगा, मगर आप ये बराए मेहरबानी ऐसा काम मत करो। तो अब चाहिए ये कि गवर्नमेंट को जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, उनको अपना काम फौरी तौर पर करना चाहिए और छोटे छोटे मामलों को फौरी तौर पर हल करना। हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया इस बारे में, कई बार किया, कमिश्नर म्यूनिसिपैलिटी में कितनी बार मिला, मेयर को कितनी बार मिला, दो मेयर्स को मिला, यहाँ चक्कर लगा के गए मेयर डिप्टी मेयर, किया कुछ नहीं। दिस इज ऑल फॉल्ट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी के उन्होंने इस गली को एंड तक पक्का नहीं किया आज तक। और मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं ये जब जगह खरीदी तो जब मुझे अंदाजा हुआ कि इधर तंग भी है गली, तो मैंने पहले सोचा था बेच दूंगा इसको। मेरी वाइफ की तबीयत बिगड़ गई, 2011 में मैंने सोचा अब मेरे पास जगह नहीं है, तो चलो मैं इधर है जगह तो इधर ही बना देता हूँ, छोटा सा मकान बनाने का आइडिया बनाया, तो आ गया मैं। अनफॉर्चुनेटली शी डाइड इन 2017, तो उनकी डेथ भी हो गई। अब मैं, मेरी अब ये समझ ले बदकिस्मती समझ ले कि अब मैं इधर आकर के फंस गया हूँ। अगर मुझे कोई अच्छे पड़ोसी मिले होते तो प्यार मोहब्बत से यहाँ हम और खूबसूरत बनाते रहे, पर अब बदकिस्मती है, तो मैं गवर्नमेंट को चाहूँगा ये मेरा मकान यहाँ से खरीद लें और किसी को जिसको मर्जी दे दें, तो मुझे कहीं और प्लाट दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो ये पड़ोसी भी मेरे खुश रहेंगे और मैं भी इस मुसीबत से बच जाऊँगा। दिस इज पार्ट वन। पार्ट टू मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वकालत 42 इयर्स हो गई है, 6 मैंने इलेक्शंस लड़े हैं, 5 असेंबली के, 1 लोकसभा का भी लड़ा है जी। तो ऑल इंडिया लायर्स यूनियन का मैं ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी का मेंबर भी हूँ, किसान सभा का प्रेसिडेंट भी हूँ, समाजी पोजीशन भी छोटी मोटी रखता हूँ, तो सारी दुनिया को इंसाफ दिलवाते हैं हम कोर्ट में। बिल्कुल। आज मुझे इंसाफ के लिए ये हालत मेरी होनी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
दुनिया का क्या हाल होता है, कैसे वो भुगतते हैं, कैसा होता है, ये आपके माध्यम से मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप आए हो मेरा हाल पूछने, आपके माध्यम से मैं सरकार को भी ये कन्वे करता हूँ और जो पार्टियां सरकार चला रही है उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, किस किस्म का समाज बना रहे हो और किस किस्म की आप शांति ला रहे हो इस जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, दिस इज व्हाट आई वांट टू से अल्टीमेटली। और कुछ आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने सारी बातें जो है इसमें क्लियर कर दी हैं। आप अगर अपनी बात को रखना चाहते हो आप भी रख सकते हो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है या जमीन से बैठकर बात करें आप बात कर सकते हो। मैं हम